इलेक्शन होना है तो इसमें सीक्रेट बैलेटिंग की खिलाफवर्जी पर वोट कैसे हो सकता है। तो अरकान जो है अभी तक तो पीटीआई के बड़े ही मुतमिन हैं और उम्मीद से हैं कि वो अपने आरिफ अलवी जो कि सदारती उम्मीदवार हैं उसको कामयाब कराने में कामयाब हो जाएंगे, कामयाब करवाने में वो उम्मीद उम्मीद नजर आते हैं। और साथ ही में जो बाकी पार्टियों के उम्मीदवार हैं जैसे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं एतजाज हसन, क्योंकि उनके पास अपने ही पार्टी के सिर्फ वोट होंगे, जबकि मौलाना फजल रहमान जो कि मुस्लिम लीग और उसके इत्तेहादियों के उम्मीदवार हैं तो उनको भी उम्मीद है कि वो भी ज़्यादा वोट हासिल कर सकेंगे। लेकिन वाजे है मुकाबला आरिफ अलवी का सदर बनने का, चूँकि अपोजिशन तकसीम है और यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स हैं बाकी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो माजी में हम देखते रहे हैं जैसे कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स को जो है वो लगाया गया था लेकिन उसका से अमल नहीं हो सका। आज जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी बीपअप है और साथ ही में जो इंटरनल सिक्योरिटी है यानी असेंबली सेक्रेटेरिएट और सेनेट सेक्रेटेरिएट उसने भी भरपूर अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। इस वक्त अरकान के आमद का सिलसिला जारी है। पीटीआई आसिफ अब से कुछ ही देर बाद मेरा ख्याल है कि आसिफ ने चाहिए